बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप खुद जानते हैं हेरिटेज नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम, ग्रेटर हेरिटेज नगर निगम की कार्रवाई को लेकर, कार्यकलाप को लेकर मैं पहले से नाराज हूँ और मैंने ये शिकायत मुख्यमंत्री जी, रणदावा जी, डोटासरा जी को कह दी थी। अधिकतर पार्षद रफीक खान, अमीन खान सब नाराज थे, लोगों के पट्टे बनाने में देरी हो रही थी, 10-10 बार पट्टे लौटाए जा रहे थे, लोग आ रहे थे मेरे पास आकर शिकायत कर रहे थे कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। आप सोच लो जिसने खुद ने सबको सत्ता सौंपी हो, जिनको पार्षद बनाया हो, मेयर बनाया हो, उनकी शिकायतें आए तो क्या करें? मेरी नाक के नीचे कोई जनता से जबरन वसूली होने लगे तो क्या कहूँगा? मैंने कहा 1064 मिलाओ, विवादी बनकर जाओ, ACB में मुकदमा दर्ज कराओ। ये कार्रवाई लंबी चल रही थी, मेरे अंदाज से ABC के पास कई घंटों की रिकॉर्डिंग है। यदि वो रिकॉर्डिंग बाहर आएगी तो इससे मिसाल बनेगी। मैं तो ACB के अधिकारियों को भी धन्यवाद दूँगा, उन्होंने बड़ी तसल्ली से ये कार्रवाई की है। ये एक दिन की कार्रवाई नहीं, बहुत लंबी कार्रवाई है। और कांग्रेस हो चाहे BJP का नेता हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे BJP का, ये मानकर चलना इसमें कोई अधिकारी, हमने SP पकड़े, कलेक्टर पकड़े, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े, नेता पहले भी हमने पार्षदों के खिलाफ, मेयर के खिलाफ कार्रवाई की है, इसको नई कार्रवाई नहीं। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पूरी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जो भ्रष्टाचार करते हैं वो छोड़ेंगे नहीं, और कहीं किसी को बर्खास्त करना पड़ा, हटाना पड़ा, वो सब करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बात आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें आप जैसे समझदार आदमी भी, मुझे आश्चर्य हो रहा है, जो भी कार्रवाई हुई है मेयर के घर पर हुई है, मेयर का पति, इस तरह से पार्षद पतियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो चुकी है, पहले उनको निलंबित किया गया है, कार्रवाई हुई है पुरानी परंपराओं को रखते हुए। ये नहीं किसी को भी ये समझे मैं कांग्रेस का हूँ, उसके हिसाब से रिलीफ मिल जाएगा, कोई रिलीफ नहीं है। करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार करेगी। जहां तक मेयर पर एक्शन का सवाल है, ये तय बात है मेयर पर एक्शन, सख्त एक्शन की बात पहले से 3 MLA कह चुके हैं, पार्षद उनके साथ है नहीं, आप खुद इस बात को जानते हैं, मुख्यमंत्री सारे मामले को देख रहे हैं, बर्खास्त करना पड़े बर्खास्त करेंगे, रोकना पड़े सारी सच्चाई जांच हो रही है, सामने आएगी, तो जो भी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं करेंगे। अब नाटक नहीं चलेगा, मैंने कह दिया ना नाटक नहीं चलेगा, आप नाटक कर सकते थे, नाटकबाजी बंद हो गई। कई नेताओं ने आगे बढ़कर जिस तरह की हरकतें की, जो माहौल बनाया, मैंने खुद नहीं तो मेयर बनाया, कोई गुनाह तोड़ना किया, गाड़ी घोड़े लवाजमा सरकार ने दिया, कोई वोटिंग से मेयर तोड़ना बनाया था, प्रताप सिंह की इच्छा से मेयर बनाया, इसलिए मेयर नहीं बनाया कि आज सिविल लाइन आदर्श नगर या जयपुर का कोई भी आदमी हो वो वहां जाके परेशान हो और पट्टे रोक लिए जाएं 7-7 बार, 3-3 बार, 5-5 बार लौटाए जाएं डिस्कस करके और लोग आके झगड़ा करें मंत्रियों के पास, MLAs के पास, ये काम हमारा नहीं है। एक हमारी इमेज है, मेरी एक इमेज है कि प्रताप सिंह के सिविल लाइन्स में कोई जाए, जयपुर में जाए तो कोई मकान के नाम पर वसूली नहीं कर सकता, पट्टे के नाम पर वसूली नहीं कर सकता, अपनी इमेज की धज्जियां उड़ा दी, ऐसे तोड़ना होता है भाई। मैंने कहा जिन लोगों के पट्टे में पैसे लिए गए हैं 1064 पर शिकायत दर्ज कराएं, अपने नाम से जाके वहां मुकदमा दर्ज कराएं, जनता को जागना होगा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और जाकर मुकदमा दर्ज